हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम जनरल नॉलेज की इकोनॉमिक्स इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले क्विज लाए हैं। ये इकोनॉमिक्स इस टॉपिक के ऊपर पहली क्विज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मार्क द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। नीचे देखिए में से कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ऑप्शन नंबर वन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, कैनरा बैंक। थर्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ इज पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हु फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नीचे देखे में से किसने सबसे पहले वर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉइन किया, यानी कि उसे डिफाइन किया और कहा। अर्नोल्ड टॉनबी। सेकंड, लेनिन। थर्ड, स्टालिन। एंड फोर्थ इज लिंकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, अर्नोल्ड टॉनबी। अर्नोल्ड टॉनबी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, गोल्ड रेट्स आर डिसाइडेड इन द सिटी ऑफ। गोल्ड के रेट डिसाइड होते हैं कौन से शहर में। ऑप्शन नंबर वन, वॉशिंगटन। सेकंड, लंदन। थर्ड, न्यूयॉर्क। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिंगापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, लंदन। गोल्ड रेट्स आर डिसाइडेड इन द सिटी ऑफ लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ। जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो इसेंशियल फीचर होती है किसकी। ऑप्शन नंबर वन, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड इज ड्यूअल इकोनॉमी। एंड फोर्थ इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। नीचे देखिए में से कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ऑप्शन नंबर वन, BHEL, भेल। सेकंड, ONGC। थर्ड, ऑयल। तो इसका सही आंसर है एंड ऑप्शन फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों की तीनों कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ दिस, चारों की चारों कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। BHEL, सेकंड ONGC, थर्ड OIL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर आर इंडियाज फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज सिचुएटेड। भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे हैं। सिंदरी, सेकंड ऑप्शन नंगल। थर्ड ऑप्शन मनाली चेन्नई। एंड फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ द अबू। सिंदरी में भी है, नंगल में भी है, मनाली में, चेन्नई में भी है इंडियाज की फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, HMT इंडस्ट्री सिचुएटेड है। HMT इंडस्ट्री कहाँ पे रहती है, कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर वन, बैंगलोर में। ऑप्शन नंबर टू, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर थर्ड, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर फोर्थ, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, बैंगलोर में। HMT इंडस्ट्री इज सिचुएटेड बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ICF चेन्नई हैज स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन इन। ICF चेन्नई ने उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट की किस ईयर में। ऑप्शन नंबर वन, 1955। ऑप्शन नंबर टू, 1950। ऑप्शन नंबर थ्री, 1960। एंड ऑप्शन नंबर फोर, 1965। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, 1955। ICF चेन्नई इस कंपनी ने स्टार्ट की अपनी प्रोडक्शन 1955 में, यानी कि ICF ये जो कंपनी चेन्नई में स्थित है उसने अपनी प्रोडक्शन 1955 में स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, इन इंडिया द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। भारत में नीचे देखे में से कौन, कहाँ पे, किसके कस्टडी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहते हैं। ऑप्शन नंबर वन, एक्सिम बैंक। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, RBI, रिजर्व बैंक इंडिया। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये RBI के कस्टडी में रहते हैं।
In India, the foreign exchange reserves are kept in the custody of RBI, Reserve Bank of India. Next. Question number 10. Oil refineries of IOC are situated at. जो oil refineries है IOC के वो कहाँ पे स्थित है? Option number 1. Nunamati, आसाम में. Barauni, बिहार में. Option number 3. Kochi, केरला में. And option number 4 is all the above. इन ऊपर दिए गए में से सभी में situated है. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबो. ऑयल रिफाइनरीज ऑफ आईओसी ये इन तीनों जगह पे हैं, नुनामती आसाम, बरौनी बिहार, कोच्ची केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. विशाखापट्टनम इज फेमस फॉर. विशाखापट्टनम किसके लिए फेमस है? रेलवे को बिल्डिंग, सेकंड बीचेस, थर्ड शिप बिल्डिंग, फोर्थ पर्ल प्रोडक्शन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज बनाने के लिए विशाखापट्टनम फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. नेम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एट दलमियापुरम. दलमियापुरम में कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है? ऑप्शन नंबर 1 जूट, ऑप्शन नंबर 2 सीमेंट, ऑप्शन नंबर 3 कार्स एंड ऑप्शन नंबर 4 प्लास्टिक्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीमेंट. दलमियापुरम में सीमेंट इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच प्लेस इज फेमस फॉर इन्वॉरी एंड वुड कार्विंग वर्क्स. नीचे दिए गए में से कौन सी प्लेस फेमस है आइवोरी के लिए और वुड कार्विंग वर्क्स के लिए? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 कोझीकोड. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर. जयपुर इज द प्लेस विच इज फेमस फॉर आइवरी एंड वुड कार्विंग वर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल इज सिचुएटेड एट. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कंपनी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नागपुर में, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 3 बैंगलोर में या ऑप्शन नंबर 4 नासिक में. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैंगलोर में. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बैंगलोर में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज इज एट. भारत का पहला ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सूरत में, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर में, ऑप्शन नंबर 3 इंदौर में या ऑप्शन नंबर 4 तिरुपुर में. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर में. इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज ये इंदौर में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. बिलाई इज फेमस फॉर. बिलाई किसके लिए फेमस है? ऑप्शन नंबर 1 आयरन एंड स्टील, लोह और स्टील के लिए, सेकंड लेदर के लिए, ऑप्शन नंबर 3 रेलवे कोचेस के लिए, ऑप्शन नंबर 4 एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आयरन एंड स्टील के लिए बिलाई फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. कोकोआ इज ग्रोन इन. कोकोआ कहाँ पे ग्रोन होता है? केरला में, सेकंड नीलगिरीज में, थर्ड उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन नंबर 4 बोथ एंड बी, दोनों केरला और नीलगिरीज में. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी, केरला और नीलगिरीज में दोनों में ही कोकोआ ग्रोन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट आर द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ पंजाब. नीचे देखिए में से कौन से क्रॉप्स एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं पंजाब में? सबसे ऑप्शन नंबर 1 पैडी, ऑप्शन नंबर 2 वीट, ऑप्शन नंबर 3 टोबैको एंड ऑप्शन नंबर 4 इज बोथ ए एंड बी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी. पंजाब में पैडी और वीट ये दोनों एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स आर कॉल्ड. इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं इन्हें, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं इन्हें, यूटिलिटी टैक्सेस कहते हैं या वेल्थ टैक्स कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट टैक्सेस.
इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेप्स आर ग्रोन इन, ग्रेप्स कहाँ पे ग्रोन करते हैं, ग्रेप्स के लिए कौन किस स्टेट का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 बोथ एन बी, दोनों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु इन दोनों ही स्टेट में, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ दिस, ऊपर दिए गए में से किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बोथ एन बी, यानी कि ग्रेप्स महाराष्ट्र और तमिलनाडु इन दोनों ही स्टेट में ग्रोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड्स लीडिंग टी प्रोड्यूसर इज, दुनिया की सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसर देश कौन सा है। इंडिया ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार ऑप्शन नंबर 3 एंड चाइना इज द ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर चाइना। दुनिया का सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूसर देश चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कीम्स हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। नीचे देखिए में से कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज के लिए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई थी रूरल एरियाज में। ऑप्शन नंबर 1 JNNURM, ऑप्शन नंबर 2 ASHA आशा, ऑप्शन नंबर 3 NREP एंड फोर्थ ऑप्शन इज PMRY। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ASHA आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स पब्लिक रेवेन्यू का कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 टैक्सेस, ऑप्शन नंबर 2 इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लाइसेंस फीस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टैक्सेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इज टैक्सेस, टैक्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पब्लिक रेवेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे देखिए में से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर 1 MGNREGA मनरेगा, ऑप्शन नंबर 2 भारत निर्माण, थर्ड ऑप्शन इज NHRM, ऑप्शन नंबर 4 इज DWACRA। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 MGNREGA, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कंट्रीब्यूट्स द मिनिमम अमाउंट टू द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। नीचे देखे में से कौन सा सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में। एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन नंबर 2 वेल्थ टैक्स, ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 कस्टम्स ड्यूटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स वन कंट्रीब्यूट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट्स टैक्स रिवेन्यू। तो इसी के साथ 25 क्वेश्चंस हमने इकोनॉमिक्स इस टॉपिक के ऊपर ख़त्म कर लिए और हमने समाप्त कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबको शिक्षा, और इसी के साथ मोटिवेटेड रहिए, हमेशा पढ़ाई में ध्यान रखिए, डिसिप्लिन में रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।